हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी सेवन सेमेस्टर वालों के इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी सेवन सेमेस्टर में चार सब्जेक्ट हैं। चार सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, दूसरा है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, तीसरा है फार्मेसी प्रैक्टिस, चौथा है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। चारों के चारों यूनिट यूनिट वन से लेकर के यूनिट फाइव तक टोटल पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केवल इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में। क्यों बात करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में, इसके बारे में भी आप लोग को थोड़ा सा बात बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं पूरा। कंप्लीट करने के बाद भी हमने सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के चैनल पर एक पोलिंग कराया था, पूछा था कि आप लोगों को चारों सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हार्ड लगता था। तो पोलिंग में बहुत ज्यादा आंसर आए थे कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। अब इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था, डर भी था, सब्जेक्ट बहुत हार्ड लग रहे थे। तो इसके लिए हमने आप लोग के लिए क्या क्या किया इनके बारे में बताएंगे, पूरी की पूरी बात बताएंगे। देख के वीडियो जाना, ये वीडियो छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना, एग्जामिनेशन के लिए पूरा का पूरा हेल्पफुल रहेगा। तो बात सुनिए, हम लोग इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में सिलेबस यूनिट वन से लेकर के फाइव तक कंप्लीट कर दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना दिया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा बनाया हूँ, जैसे दो नंबर के क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, पांच से सात नंबर के क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, और दस नंबर के किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। यूनिट वन से लेकर के फाइव तक का टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के आप लोग को दे दिए थे कि कम से कम इतना पढ़ लेना। लेकिन फिर बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का यूनिट वन से लेकर के फाइव तक का, उन सभी क्वेश्चन को सर सॉल्व करा दीजिए। तो मैंने सोचा आप लोग के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि सिलेबस तो कंप्लीट करा दिए लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्रों को याद नहीं हुआ था। तो एक दिमाग लगाए थे कि आप लोग को कम टाइम में इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व भी करा दें और याद कराने की भी कोशिश किया जाए, जिससे स्टूडेंट एक बार लेक्चर देखता है तो उसे कम से कम 50% तो याद ही हो जाए। अगर एक से दो बार देख लेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। लेक्चर बड़ा भी नहीं रहेगा, छोटा रहेगा, उसमें सभी क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे। ये लेकर के टारगेट चला था और ये टारगेट हमारा कंप्लीट भी हो गया है। कैसे कंप्लीट हो गया है बताते हैं। यूनिट वन से लेकर के यूनिट फाइव तक का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं हम। आप लोग देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बना करके इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो लोग नहीं देखे हैं देख लेना। क्या बनाया है, हर एक यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जो कि हमारा है कितने मिनट का, 15 मिनट का है। हर एक यूनिट 15 मिनट का है, तो आप लोग जोड़ लीजिए, 5 यूनिट आप लोग का है, 5 यूनिट 15-15 मिनट का है, तो 1 घंटे 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा होगा। तो बस आप लोग को 1 घंटे 15 मिनट का लेक्चर एक से दो बार तीन बार देख लेना, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं पे तैयार हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा टारगेट था, सोचा आप लोग को बता दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यही कंफ्यूजन था कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस से बहुत ही डर लग रहा है, किस तरीके से याद करें, किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से एग्जाम में लिखें। इन सभी के बारे में उस छोटे छोटे लेक्चर में आप लोग को बताए हैं, और उसी ही लेक्चर में 15 मिनट के ही लेक्चर में पूरा का पूरा एक यूनिट आपका वहीं पे तैयार हो जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उतने सभी को सॉल्व कराए हैं। जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए सिलेबस कंप्लीट करवाए हैं, उसको देख लेना। नहीं तो 5 लेक्चर है 15-15 मिनट का है, उसको दोस्तों एक बार दो बार तीन बार जितनी बार देखेंगे आपको बेनिफिट रहेगा। हमें तो लगता है दो बार देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक, तो देख लेना, प्रयास करना याद हो जाए। क्यों प्रयास करना, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही करीब आ गया है। ठीक, नोट्स तो प्रोवाइड हो गए हैं सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में भी, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी की वेबसाइट जो है उस पर भी अपलोड कर दिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं देख लेना, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, जिससे उन्हें भी पता चल जाए इस सब्जेक्ट की तैयारी किस तरीके से करें, जिससे एग्जामिनेशन बहुत करीब आ गए हैं। कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो अभी स्टार्ट भी नहीं किए होंगे पढ़ना, तो जितने कैटेगरी के स्टूडेंट हैं सभी लोग के लिए ये लेक्चर बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो जितने इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं सभी प्लेलिस्ट आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग जाकर के देख लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर किसी छात्र को और भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बात और बताना चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है
2021-22 का उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कराए हैं। बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो गया है दोस्तों। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना। सोचा है इन सभी बातों को एक छोटी सी वीडियो में आप लोग को बता दें, जिससे आप लोग को यही नीचे लिंक दे दूंगा, इधर उधर खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग इसी लिंक को ओपन करना, पूरा प्ले लिस्ट आपका ओपन हो जाएगा। वहीं से इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का पूरा तोड़ मिल जाएगा। इतना पढ़ लेना पास होने के लिए बहुत है। तो चलिए दोस्तों, कम से कम आप लोग को एक काम करके जाना है। जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना, कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।